सी आई ई टी एन सी ई आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा बारह के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो पाठ सत्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी पृष्ठ संख्या एक सौ इकतालीस से एक सौ इक्यावन तक पृष्ठ संख्या एक सौ इकतालीस लेखक परिचय लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्म सन उन्नीस सौ सात आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल कल्पलता विचार और वितर्क कुटज विचार प्रवाह आलोक पर्व प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद ये निबंध संग्रह हैं उनके उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा चंद्र लेख, पुनर्नवा अनामदास का पोथा आलोचना और साहित्य इतिहास हैं सूर साहित्य कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप नाथ संप्रदाय कालिदास की लालित्य योजना हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य उद्भव और विकास उनके ग्रंथ संपादन हैं संदेश रासक पृथ्वीराज रासो नाथ सिद्धों की बानिया उन्होंने शांति निकेतन की पत्रिका विश्व भारती का संपादन भी किया है पुरस्कार व सम्मान साहित्य अकादमी आलोक पर्व पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट मृत्यु सन उन्नीस दिल्ली में उनकी पंक्तियां हैं मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति हीनता परमुखापेक्षिता से बचा ना सके जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है हिंदी संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास संस्कृति धर्म दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठ कर उनका आघाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सृजना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है विज्ञान का बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढाल एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता कथन के लालित्य और बंद की शास्त्रीयता का संगम है पृष्ठ संख्या एक सौ बयालीस इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं इसके बाद उससे जो प्राणधारा फूटती है वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आदि आबादी स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप पहचानने रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा में मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान तंत्र मंत्र विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है और मानव की जजीविशा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबद्ध नाथ सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों से ही मिलती हैं। पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोध से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त है अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सर्जनात्मक साहित्य की गोटी में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त हैं। पृष्ठ संख्या एक सौ पाठ परिचय यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत हैं। इसमें लेखक आंधी लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है तो वह गांधी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शीरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत कवि होने की एकमात्र शर्त है ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है शीरष के पुराने फलों की अधिकार लिपसु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है पृष्ठ संख्या एक सौ प्रस्तुत है पाठ शिरीष के फूल जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीरीष के अनेक पेड़ हैं जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी शीरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं कर्णिकार और आरगवध यानी अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ वे भी आसपास बहुत हैं लेकिन शीरीष के साथ आरगवध की तुलना नहीं की जा सकती वह पंद्रह बीस दिन के लिए फलता है वसंत ऋतु के पलाश की भांति कबीर दास को इस तरह पंद्रह दिन के लिए लह उठना पसंद नहीं था ये भी क्या कि दस दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़ दिन दस फूला फूल के खंखड़ भया पलाश ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले फूल है शीरीष वसंत के आगमन के साथ लह कूटता है आषाढ़ रूप से मस्त बना रहता है मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है एकमात्र श्रीश कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है पर नितांत ठूट भी नहीं हूँ शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चहार दीवारी के पास लगाया करता था उनमें एक शीरीष भी है यह कोष्टक में दिया गया है वृहद संहिता पचपन तेरा अब पाठ आगे अशोक अरिष्ट पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घन मसृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका ज़रूर बड़ी मनोहर दिखती होगी वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला प्रेंखा दोला लगाया जाना चाहिए यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते हैं शीरीष भी क्या बुरा है डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है पर उसमें झूलने वालों का वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा लें पृष्ठ संख्या 145। सौ शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है मेरा अनुमान है कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था मेरा भी है कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है पक्षियों का बिल्कुल नहीं पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम ना पुनः पत त्रिणाम अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था यहाँ तो इच्छा भी नहीं है यहाँ पर शीरीष के वृक्ष का एक चित्र दिया गया है पृष्ठ संख्या एक सौ छियालीस खैर मैं दूसरी बात कह रहा था शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है यह भूल है इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं मुझे उनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं तोलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना मैं शीरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है सुनता कौन है महाकाल देवता सपा सप कोड़े चला रहे हैं जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं दुरंत प्राणधारा और सर्व व्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे भोले हैं वे हिलते डुलते रहो स्थान बदलते रहो आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो जमे कि मरे एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता ना ऊंधों का लेना न माधो का देना जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं मौज में आठों या मस्त रहते हैं एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है जरूर खींचता होगा नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था अवधुतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस शीरीष के समान ही थे मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक कालीदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे शीरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है जो कवि अनासक्त नहीं रह सका जो जो नहीं बन सका, किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने गर्व पूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास एक ने वेदों को दिया दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को पृष्ठ संख्या एक सौ सैतालीस इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ तेषा मूर्धनी ददामी वाम चरणम कर्नाट राजप्रिय मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए पर मैं कहता हूँ कभी बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो सीरीज की मस्ती की ओर देखो लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं मरने दो कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे कवि होने से क्या होता है मैं भी छंद बना लेता हूँ तो को जोड़ लेता हूँ और कालीदास भी छंद बना लेते थे तो भी जोड़ ही सकते होंगे इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था वयम अपनी कवय कवयह कवयस्ते कालिदासाद्या मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देख हैरान हो जाता हूँ अब इस शिरीश के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए शकुंतला बहुत सुंदर थी सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था कवि की ओर से भी नहीं राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शीरिष पुष्प को देना भूल गए हैं जिसके केसर स्थल तक लटके हुए थे और रह गया चंद्र की किरणों के सामान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे दुख हो कि सुख वे अपना रस उस अनासक्त बल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंथ में है कविवर रविन्द्र नाथ में यह अनासक्ति थी एक जगह उन्होंने लिखा राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों ना हो उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है यही बताना उसका कर्तव्य है फूल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं है वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है वह इशारा है शीरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं इस चिलकती धूप में इतना इतना सरस वह कैसे बना रहता है क्या ये बाह्य परिवर्तन धूप वर्षा आंधी लू अपने आप में सत्य नहीं है हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट अग्निदाह लूटपाट खून खच्चर का बवंडर बह गया है उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है शीरीश रह सका है अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ क्योंकि शीरीष भी अवधूत है शीरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था मैं जब जब शीरीष की ओर देखता हूँ तब तब टती है हाय वह अवधूत आज कहाँ है पृष्ठ संख्या एक अभ्यास पाठ के साथ प्रश्न एक लेखक ने श्रीश को कालजई अवधूत अर्थात सन्यासी की तरह क्यों माना है प्रश्न दो हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कहीं कहीं जरूरी हो जाती है प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें प्रश्न तीन द्विवेदी जी ने शीरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल जिजी विषु बने रहने की सीख दी है स्पष्ट करें प्रश्न चार हाय वह अवधूत आज कहाँ है ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है कैसे प्रश्न पाँच कवि या साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक हैं ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है विस्तार पूर्वक समझाएं प्रश्न छः सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है पाठ के आधार पर स्पष्ट करें प्रश्न सात आशय स्पष्ट कीजिए क दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहाँ देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे भोले हैं वे हिलते डुलते रहो स्थान बदलते रहो आगे की ओर मुँह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो जमे कि मरे आशय स्पष्ट कीजिए ख जो कभी अनासक्त नहीं रह सका जो फक्कड़ नहीं बन सका जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया वह भी क्या कवि है मैं कहता हूं कवि बनना है मेरे दोस्तों तो बनो आशय स्पष्ट कीजिए फूल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं है वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है वह इशारा है पृष्ठ संख्या एक पाठ के आसपास प्रश्न एक शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस प्रकार दी गई होगी प्रश्न दो कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए हैं प्रश्न तीन आजकल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों की बहुत मांग है बहुत से किसान साग सब्जी व अन्य उत्पादन छोड़ फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं इसी मुद्दे को विषय बनाते हुए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें चार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ की तरह ही वनस्पतियों के संदर्भ में कई व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध भी लिखे हैं कोटज आम फिर बौरा गए अशोक के फूल देवदार आदि शिक्षक की सहायता से इन्हें ढूंढिए और पढ़िए जी की वनस्पतियों में ऐसी रुचि का क्या कारण हो सकता है आज साहित्यिक रचना फलक पर प्रकृति की उपस्थिति न्यून से न्यून होती जा रही है तब ऐसी रचनाओं का महत्व बढ़ गया है। प्रकृति के प्रति आपका दृष्टिकोण रुचिपूर्ण है या उपेक्षामय? इसका मूल्यांकन करें भाषा की बात दस दिन फूले और फिर खंखड़ खंखड़ इस लोकोक्ति से मिलते जुलते कई वाक्यांश पाठ में हैं उन्हें छाँट कर लिखें इन्हें भी जानें। अशोक वृक्ष भारतीय साहित्य में बहुचर्चित एक सदाबहार वृक्ष इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते हैं वसंत ऋतु में इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं इसे कामदेव के पुष्प बाणों में से एक माना गया है इसके फल सेम की तरह होते हैं इसके सांस्कृतिक महत्व का अच्छा चित्रण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल में किया है ब्रह्मवश आज एक दूसरे वृक्ष को अशोक कहा जाता है और मूल पेड़ जिसका वास्तविक नाम सराका इंडिका है को लोग भूल गए हैं इसकी एक जाति श्वेत फूलों वाली भी होती है अरिष्ट वृक्ष रीठा नामक वृक्ष इसके पत्ते चमकीले हरे होते हैं फल को सुखाकर इसके छिलके का चूर्ण बनाया जाता है बाल धोने एवं कपड़े साफ करने के काम में आता है पेड़ की डालियों व तने पर जगह जगह कांटे उभरे होते हैं जो बाल और कपड़े धोने के काम भी आता है आरगवध वृक्ष लोक में इसे अमलतास कहा जाता है भीषण गर्मी की दशा में जब इसका पेड़ पत्रहीन ठूंठ सा हो जाता है पर इस पर पीले पीले पुष्प गुच्छे लटके हुए मनोहर दृश्य उपस्थित करते हैं इसके फल लगभग एक डेढ़ फुट के बेलनाकार होते हैं जिसमें कठोर बीज शीरीष वृक्ष लोक में सिरिस नाम से मशहूर पर एक मैदानी इलाके का वृक्ष है आकार में विशाल होता है पर पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेशे रेशे होते हैं पृष्ठ संख्या एक सौ पचास शब्द छवि कर्णिकार कनेर या कनियार नामक फूल आरगवध अर्थात अमलतास नामक फूल खंखर अर्थात ठूठ या शुष्क निर्घात अर्थात बिना आघात या बाधा के अवधूत अर्थात सांसारिक बंधनों व वा विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी लंडूरे अर्थात पूछ विहीन हिल्लोल अर्थात लहर अरिष्ट, अर्थात रीठा नामक वृक्ष पुन्नाग अर्थात एक बड़ा सदाबहार पेड़ घन मसृण अर्थात घना चिकना या गहरा चिकना मुलायम परिवेष्टित अर्थात ढका हुआ दोला अर्थात झूला बकुल अर्थात मोल का पेड़ तुंदिल अर्थात तोंद वाला मोटे पेट वाला मरमरित अर्थात पत्तों की खड़खड़ाहट या सरसाराहट ध्वनि से युक्त ऊर्ध्वमुखी, अर्थात प्रगति की दिशा में दुरंत अर्थात जिसका विनाश होना मुश्किल है हजरत अर्थात श्रीमान ये व्यंग्यात्मक स्वर में प्रयुक्त हुआ है अनासक्त विषय भोग से ऊपर उठा हुआ अनाविल अर्थात स्वच्छ कर्नाट अर्थात प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य स्थिर प्रज्ञता अर्थात अविचल बुद्धि की व्यवस्था विदग्ध अर्थात अच्छी तरह से तपा हुआ कार्पण्य अर्थात कृपणता गंडस्थल अर्थात गाल कृषिवल अर्थात किसान निर्दलित अर्थात भली भांति निचोड़ा हुआ ईक्षुदंड अर्थात ईख या गन्ने का तना अभ्रभेदी अर्थात गगनचुंबी सपासप ये एक ध्वन्यात्मक शब्द है जो कोड़े पड़ने की आवाज के लिए उपयुक्त होता है यहाँ जल्दी जल्दी अर्थ रखता है इसी के साथ आरो भाग दो का पाठ सत्रह यहाँ समाप्त हुआ प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी आर टी नई दिल्ली भारत